तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंदी तो नहीं कहेंगे, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास थोड़ी ऑब्जेक्टिव स्किल भी आप डेवलप किया करिए जब भी आप सब्जेक्टिव करते हैं। तो जैसे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, कितने ये जो पॉलिनोमियल खुलेगी, डिटरमिनेंट खोलेंगे तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। दूसरा कि अगर एक्स की वैल्यू वाई रख दिया जाए, सपोज एक्स की वैल्यू वाई रख देंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई स्क्वायर एंड ये तो वाई जेड रहेगा, एक्स की वैल्यू वाई रख रहे हैं तो यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा। मतलब आर वन और आर टू दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएंगी रोज, और जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब क्या पता पड़ता है कि एक्स इक्वल्स टू वाई अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स माइनस वाई इसका एक फैक्टर होगा। वो दिख भी रहा है कि एक्स माइनस वाई इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली वाई को जेड रखिए तब भी जीरो आएगा ना, वाई जेड रखेंगे इक्वल तो आपका आर टू आर थ्री आइडेंटिकल हो जाएगा, और जेड और एक्स को इक्वल रखेंगे तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो डिटर्मिनेंट है सिमेट्रिकल भी है ना, एक्स को वाई से, वाई को जेड से, जेड को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट में, है ना। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिकल भी है। रही बात डिग्री की, कि जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितने डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ के अबाउट जब खोलेंगे इस एलिमेंट के अबाउट, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, 2 डिग्री ये और 2 डिग्री ये, 4 डिग्री, और साथ में ये इंटू रहेगा, 5 डिग्री आएगा। देखिए 1, 2, 3 और 2 डिग्री, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपटीशन में ज़रूरत होता है ना। कब कैसे इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कंपटीशन का क्वेश्चन क्या है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट कैसे किया जाए, है ना, सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए हम लोग कहते हैं, चलिए आपको हम टास्क देते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को आपको उस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको एक लंबे रास्ते में, छोटे छोटे रास्ते में हम ब्रेकअप कर रहे हैं, क्या किया जाए, है ना। तो जैसा आप वहां देख रहे हैं कि आखिरी कॉलम आपका 1 1 है और यहां पे क्या है, वाई जेड है, जेड एक्स एक्स वाई है, क्या करें। अगर हम यहां पे एक्स ले आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। यहां पे वाई ले आए तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड, और यहां पे जेड ले आए तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, किसमें, पहले रो में, इसमें रो में वाई में, इसमें जेड से। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, हम कहेंगे कि आर वन रो को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक्स टाइम्स आर वन, साथ में आर टू रो को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वाई टाइम्स आर टू, आर थ्री रो को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जेड टाइम्स आर थ्री, एंड द डिटर्मिनेंट बिकम। अच्छा, ये एल एच एस लिख के स्टार्ट करेंगे, और जब एल एच एस लिख के स्टार्ट करेंगे तो आर एच एस आप लिखेंगे नहीं, है ना, ये पार्ट नहीं लिखेंगे हम, बस इसलिए लिख दिए ताकि आपको आंसर दिखा पाए। है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, योर फर्स्ट एलिमेंट बिकम एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड। और चूंकि एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना रो में, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, सेम रहे उसके लिए एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या करें हम लोग, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इट बिकम वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड दैट इज एक्स वाई जेड, तो यहाँ वाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्या करना पड़ेगा, जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ अगले स्टेप पे पहुँचने वाले हैं, बशर्ते आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए, है ना। जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड है ही है, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपके पास 1 आ जाएगा। क्या होगा उसके बाद, चलिए कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाते हैं, सी थ्री से कॉमन करना है तो हम कहेंगे सी थ्री को डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड सी थ्री, एक्स वाई जेड चूंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और नीचे तो पहले से था एक्स वाई जेड, ठीक है, कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो आपका डिजायर डिटर्मिनेंट आ चुकी है, क्या किया जाए अब। ठीक है, अब हम लोग इस वाले कॉलम को किनारे ले आते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, हम लोग इसी इसकी हेल्प से 0 बना लेते हैं, चलिए यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कैसे बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कहेंगे कि जो आर टू है ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आर टू माइनस आर वन, आर थ्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आर थ्री माइनस आर वन, है ना। तो 2 0, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट आपकी क्या बन जाएगी, आपके डिटर्मिनेंट हो जाएगी
पहली रो तो ट्रांसफॉर्म हुई नहीं है तो उसको वैसे ही कॉपी कर देते हैं, दूसरी रो दैट बिकम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा y क्यूब माइनस x क्यूब, यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दैट इज z क्यूब माइनस x क्यूब, और यहाँ फिर से जीरो हो जाएगा, है ना। तो फिर लगता है कि चलिए C3 कॉलम में मैक्सिमम वन जीरो हो गया है तो हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर हम लोग रुक जाए और यहाँ से कॉमन कर लेते हैं पहले, है ना। देखिए y माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो आप क्या फैक्टराइज कर लोगे इसको, इसको आप लिख लोगे y माइनस एक्स टाइम्स y प्लस एक्स, तो यहाँ पे y माइनस एक्स इंटू y प्लस एक्स हो गया, है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस एक्स टाइम्स z प्लस एक्स, तो z माइनस एक्स टाइम्स z प्लस एक्स, है ना। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा y माइनस एक्स टाइम्स y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है। इसी तरह से यहाँ पे z क्यूब माइनस एक्स क्यूब को z माइनस एक्स टाइम्स z स्क्वायर प्लस एक्स जेड और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए R3 से आपका y माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रही है R3, और जो R2 y माइनस एक्स से डिवाइड हो रही है, R3 क्या हो रही है z माइनस एक्स से डिवाइड हो रही है, तो क्या किया जाए, कॉमन कर लिया जाए तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे आप कॉमन करने के लिए, क्या लगाते हैं R2 से कॉमन करना है, मतलब R2 को डिवाइड करना है किससे, y माइनस एक्स से, दैट इज R2। इसी तरह से R3 से कॉमन करना है, क्या कॉमन करना है आपको, z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे R3 को, तो योर डिटर्मिनेंट बिकम, अच्छा ये दो फैक्टर्स है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा नहीं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बचा आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, दैट इज वाई प्लस एक्स, और यहाँ बचा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर सॉरी जीरो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी जीरो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या कर लें, हमें एक फैक्टर और चाहिए था, एक्स माइनस वाई यहाँ से मिल जाएगा, वाई माइनस जेड चाहिए, और वाई माइनस जेड के लिए अगर आप देख लीजिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, R3 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स एक्स कट जाएगा और जेड माइनस वाई आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं R3 ट्रांसफॉर्म एज ए R3 माइनस R2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ के बाद आप जरूरी नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, आप एक्सपेंड भी कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, ठीक है, इस C3 के अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो वी गेट द रिजल्ट, लेकिन थोड़ी सी पॉलिनोमियल लंबी होगी, है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो बाद का काम आपका छोटा हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है ना, आप चाहे बड़ी पॉलिनोमियल को डील करना चाहें तो यहीं से एक्सपेंड कर दीजिए, छोटी पॉलिनोमियल को डील करना चाहते हैं तो हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1, ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगा नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो ही रहेगा। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 1 का मल्टीप्लाई करके R2 में R3 में ऐड कर रहे हैं, तो माइनस वाई माइनस एक्स ला के ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ला के ऐड करेंगे तो जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपका क्या है एक्स जेड तो है ही है यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे माइनस एक्स वाई ला के ऐड करेंगे और यहाँ तो जीरो ही रहेगा, ठीक। अब देखिए आपको दिखना चाहिए कि तीसरे कॉलम से जेड माइनस वाई कॉमन हो रहा है, कैसे, यहाँ भी देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ भी फैक्टराइज हो जाएगा और कॉमन हो जाएगा आपका, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई, तो इन दोनों को हटा के हम जेड माइनस वाई टाइम्स जेड
प्लस वाई लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो z माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से अगर x कॉमन कर लेते हैं तो z माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए z माइनस वाई यहाँ से कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो z माइनस वाई आप कॉमन कर लीजिए। लिखते क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए ये जरूरी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग R3 से कॉमन करने के लिए, R3 बिकम 1 बाई क्या कॉमन करना है, जेड माइनस वाई से डिवाइड कर दिया R3। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ x z माइनस, यहाँ पे देखिए y माइनस x था, ठीक है, y माइनस x और z माइनस x है। अब हमें चाहिए, प्रूफ में चाहिए था x माइनस वाई, तो वहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं x माइनस वाई, साथ में ये भी काम करते रहे ना, फिर आपको y माइनस जेड और z माइनस x है, z माइनस x तो आई है तो माइनस रहने देते हैं z माइनस x। अब यहाँ पे अंदर क्या हो जाए, एक कॉमन कर लिया आपने z माइनस वाई, ठीक है, तो z माइनस वाई। अब आपके डिटर्मिनेंट क्या बचेगी, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आपका पहला रो तो वही रहेगा नो चेंज, दूसरा रो भी वही रहेगा नो चेंज, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया नहीं है या हमने नहीं लगाया है ना, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लगाया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ क्या आपका कॉमन क्या है तो वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉमन करने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब इसके अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, जब इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका, जो भी बचेगा आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अबाउट C3, क्योंकि C3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो माइनस, देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन कर ले तो ये वाई माइनस जेड बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ये बंद क्या हो जाएगा, वन टाइम्स दिस इंटू दिस, मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं वाई प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे छः टर्म आएगा, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो छः टर्म आएगा, है ना, तो इस चीज़ को देखिए हम यहाँ सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, वैसे आना तो आपका वही है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ऐसा लिख भी सकते डायरेक्ट, लेकिन हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर आपका प्लस का वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस का एक्स वाई और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस का एक्स जेड। अब ये माइनस अंदर इंटर करेगा तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई आपका रहा प्लस का और ये एक्स वाई माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड जो आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम हटा के आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखिएगा, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस हेंस प्रूव, ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग, तो दैट इज योर, तो चीज़ें लंबी थी, है ना, टाइम टेकिंग थी, लेकिन रास्ता पता था आपको, है ना, आराम से प्रूफ हो।